हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज है क्लास 50 और लास्ट क्लास में हमने शेप्स सीखी थी और आज हम फिलिंग सीखेंगे। तो हम आज तबले की फिलिंग सीखने वाले हैं। मैं सिंगल तबला, डबल तबला दोनों की फिलिंग आज आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। ये तो बहुत ही कम फीलिंग्स मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, पर जब हम डिज़ाइन लेंगे और बड़े बड़े बंच लेंगे तब हम इससे डिफरेंट डिज़ाइन बनाएंगे और इससे डिफरेंट फीलिंग भी बनाएंगे। तो इसलिए आप ही मत सोचिएगा सिर्फ यहीं तक सफिशेंट हो जाता है। नहीं, और भी बहुत सारी फीलिंग्स तबले में आती हैं और आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इजी है, और शेप्स की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है अच्छे से तो आप ये तबले की फीलिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। आने वाले क्लासेस में हम और तरह की फीलिंग्स भी सीखेंगे। अब आप देख सकते हैं सिंपली मैंने तबला बनाया है और इसको हम इस पोर्शन को हमको डार्क ही करना है और ये नीचे बस इस तरह से पेटल्स बनाकर और मैंने इसको डार्क कर दिया। बहुत ही सिंपल है, इजी है। वैसे इसमें बताने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। 3D में जब आप यूज़ करो 3D में जब आप यूज़ करो तो इसको थोड़ा डार्क कर सकते हो, इसका साइड वाला पोर्शन। और मैं इसमें 3D का भी डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ जो आप आगे वाले डिज़ाइन में देखेंगे। बहुत ही पतला और सुंदर सा पत्ती टाइप बनाना है। ज़्यादा मोटा या बहुत मोटी मोटी आइज़ होती है ना, उस तरह से नहीं बनाना है। जितना पतला बनाते हैं उतना खूबसूरत लगता है। वैसे बनाना इजी नहीं है क्योंकि लाइन मिक्सअप हो जाती है, पर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा आपसे बनने लग जाएगा। तबले में क्या होता है, जब हम तबला बनाते हैं तो आप उसको एक मतलब अलग से पोर्शन लेकर बना सकते हैं। जैसे आप ब्राइडल हीना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने गणेश जी ले लिया, फिर तबला ले लिया, शहनाई ले ली, ढोलकी ले ली। मैं आपको ढोलकी की शेप भी इसमें बताऊंगी। मैं लास्ट क्लास में ढोलकी की शेप सिखाना भूल गई थी, पर इस क्लास में मैं आपको ढोलकी की शेप भी सिखाऊंगी। तो हम इस वे में अगर हीना को लगाएंगे तो वो एक तरह से ब्राइडल हीना बन जाती है ना। तबला, शहनाई, कलश, गणेश जी, साथिया और गठबंधन, इस सब चीज़ों की क्लासेस मैं आगे आपके साथ लेने वाली हूँ। गणपति भी बहुत तरह से बनाए जाते हैं, हैवी, लाइट और सिंपल, इजी वे में सब तरीके से आगे सिखाऊंगी, पर मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता पाऊँगी। और क्लासेस की मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू लूँ आपको सिखाने के लिए। और भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता है कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरी क्लासेस कैसे स्टार्ट हो चुकी हैं, रीस्टार्ट हो चुकी हैं। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि शायद मेरी क्लास अब बिल्कुल स्टॉप ना हो। मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँ, हर 2 दिन में एक बार क्लास देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। 2 नहीं तो 3 दिन में एक बार तो आ ही जाएगी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेक्स बनाए हैं सिंपल। वैसे ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि पहले जो भी मैंने क्लासेस लिए ये सब फीलिंग्स मैंने कभी बॉक्स में, कभी मैंने बंच में, ये सब फीलिंग्स मैंने आपको सिखाई हुई हैं। बस उनको एडजस्ट करना आपको आना चाहिए कि हमें किस फीलिंग को कहाँ एडजस्ट करना है, किस तरह से वो अट्रैक्टिव लगे। ये चीज़ क्या है, अपने आप में आती है, इस चीज़ को आप सीख नहीं पाओगे। जैसे मैं बताऊँगी तो वो क्या एक रट्टा मार हो जाएगा। आप जैसे जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उससे आपको अपने आप माइंड आने लग जाएगा। और बहुत सारे आजकल डिज़ाइंस हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे, आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। उसको जैसे आपने शेप ले ली तो उसको अपने डिज़ाइन, अपनी फीलिंग्स में कन्वर्ट करना, एक रिक्रिएशन करना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जिनको डिज़ाइन याद नहीं रहते हैं उस चीज़ में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। ये देखिए, ये वाला मैंने 3D कर दिया। 3D में क्या होता है, एक फ्लावर बना दो या कुछ भी आप शेप बना दो, उसको बाहर से डार्क कर दो, उसको थोड़ा लाइट रख दो, वो 3D डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आप लोटस का फ्लावर भी ले सकते हो और हार्ट वाला फ्लावर भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बनाना आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, बस इस तरह से सिंगल सिंगल मैंने आपको एक तरह से एक आइडिया
दे दिया है और आप अभी ये शेप बनाना आपको आ गया, तो आपके जो आपके लास्ट फीलिंग्स जो आपने सीखी है मेरी क्लासेस से, उन फीलिंग्स को उठाकर भी इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। मतलब कॉम्बिनेशन करना है आपको। अब एक एक चीज़ तो देखो हर कोई भी टीचर नहीं बताता है आपको, लास्ट देखकर आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई फाइल बना रखी है या आप मेरी लास्ट की क्लास देखकर कुछ आगे में ऐड करते हो, या जो भी आपका सिस्टम है प्रैक्टिस करने का, उस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब याद रहेगा। याद करने का कोई भी ट्रिक नहीं होता है, ये कोई टेस्ट तो है नहीं कि आपने यहाँ पर्ची बना ली वहाँ पर्ची बना ली, सब कुछ नहीं होता। जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिकली सब कुछ आने लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप। दो तीन अपने जो परफॉर्मा होते हैं ना वो मैं आपको बता दूँगी कि किस परफॉर्मा में आपको ब्राइडल हिना लगानी है, पर ये मैं तब बताऊँगी जब मैं ब्राइडल के सारे आपके स्टेप ले लूँगी, जिसमें ग्रूम आ जाएगा, ब्राइडल आ जाएगी, और ये गठबंधन साथिया और जो डायलॉग्स आते हैं अलग अलग तरह के, वो सब मतलब सब चीज़ें जब आपके कंप्लीट हो जाएंगी ना उसके बाद में मैं ये चीज़ आपको बताऊंगी। और मुझे कमेंट आया था कि ये ना आपका जो मेहंदी क्लास का मेन्यू है और क्लासेस हैं उसका मेन्यू बताओ। अरे भाई मेन्यू कहाँ से बताओ, इस तरह से पटाखा बजा, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। तो हाँ, तो मेन्यू नहीं बता सकती हूँ मैं, एक्चुअली मैंने सीखा नहीं है। मेरी अगर क्लास को शुरू से देख रहा होगा ना तो वो जान जाएगा कि मैं किस तरह से सिखाती हूँ और क्या सिखाती हूँ और क्या बोलती हूँ। मैंने कोई क्लास नहीं ली है जो मैं उसमें से टिप टिप के आपको बता दूँ और अब ये इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप। मैं अपनी तरफ से अपने तरीके से ही आपको सिखा रही हूँ। बहुत सारे प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे, सॉरी बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से उनसे मेन्यू ले लीजिए। ओके, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखा रही हूँ, पर मैं इतना डेफिनेटली आपको पक्का कर सकती हूँ कि मैं आपको प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट बना दूँगी। आप कोई भी प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट देख लीजिए, आपको इतना डेफिनेशन में नहीं सिखाया जाएगा। भले आप पैसे लगा के सीखो या आप अदर यूट्यूब चैनल से सीखो, सब तरह से ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुझसे बनकर रह जाओ, सब तरह से आप ज्ञान लो, जो अच्छा बता रहा है, जहाँ से आपको हेल्प मिल रही है वहाँ से ले लो, है ना। ये चीज़ है, तो आप जिनको मेन्यू चाहिए ना वो वहाँ से उनसे ले सकते हैं, वो आपके कमेंट का जवाब शायद ज़रूर दे देंगे। ओके, और प्रोफेशनल हिना का मतलब क्या होता है, आपकी क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, और जब आप मेहंदी बनाने जा रहे हो तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई ये कुछ सोच रहा है या ये कुछ देखना चाह रहा है ना, इस तरह के जो अपने हाव भाव होते हैं ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस डिज़ाइन के बारे में कहना चाहूँगी। ये दो डिज़ाइन जो है मैंने सेम डिज़ाइन बनाया, मतलब दो तबला बनाया तो उनमें जो उन्होंने सेम डिज़ाइन बनाया है, और ये जो अब मैं बनाने वाली हूँ इसमें मैं अलग अलग डिज़ाइन बनाऊँगी, मतलब एक तबले में अलग और एक तबले में अलग। आपको जो सूटेबल लगे, आपको जो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बट मेरी मानो तो आप दोनों तबलों में एक जैसा डिज़ाइन बनाओगे ना तो ही वो अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसे नहीं कि एक में कुछ और एक में कुछ और उसके लिए सोचने के लिए समय भी नहीं मिलता जब आप डिज़ाइन बनाने जाते हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट किया है। ये वैसे मैं तो नहीं बनाती और पहली बात मैं बनाने जाती भी नहीं हूँ। और बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये भी पूछा है कि आप घर पे मेहंदी सिखाते हो क्या। देखिए मैं घर पे मेहंदी नहीं सिखाती हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन ही सिखाती हूँ, घर पे नहीं सिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सिखाती हूँ, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही मैं देती हूँ। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही सीख सकते हैं। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो चलिए इस डिज़ाइन में देख सकते हैं, आपने एक में सर्कल कर लिया है, एक में चेक्स कर दिया है, और मैं इनमें डॉट 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 कर लूँगी। बट ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो वही अट्रैक्टिव लग रहा होगा जिसमें मैंने दोनों डिज़ाइन एक जैसे बनाए हैं तबले में। ओके, सॉरी, आगे चलते हैं।
वॉइस आपको मेरी क्लियर मिल जाएगी, पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। ओके, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, क्योंकि अब मेरे घर के आसपास इतनी शांति नहीं है। ओके, और रात में मैं भर नहीं पाती हूँ, आवाज़ इसमें ऐड नहीं कर पाती हूँ। दिन में ही मेरे काम हो पाते हैं जब प्रयाग सो रहा होता है। ओके, तो ये देखिए आप, इसमें दो तरह के डिज़ाइन मैंने बनाए हैं, अलग अलग बनाए हैं, और ये मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है। और सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब आ गई है बारी ढोलकी की, अब हम ढोलकी की शेप सीखेंगे। ओके, ढोलकी कैसे बनाई जाती है? ढोलकी एक ही तरह की होती है, कोई 10 तरह की नहीं होती। इसको आप मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। पतली ढोलकी बनानी है, मोटी ढोलकी बनानी है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे ढोलकी जो बना रही हूँ वो तिरछी बना रही हूँ, क्योंकि ढोलकी तिरछी ही अच्छी लगती है। आपको, आपने देखा होगा जब ढोलकी बजाई जाती है ना, तो नीचे कोई कुछ मोटा सा कपड़ा या कुछ लगा दिया जाता है, उसको तिरछा करके बजाया जाता है, इसलिए मैं इसको तिरछी बना रही हूँ। ओके, तो मैं अभी बना सेम ही रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आपको दो बार बनाकर बता रही हूँ। वो थोड़ी सी मोटी बनी है, और ये थोड़ी सी मेहनत निकल गई, चलिए वो थोड़ी सी मोटी बनी है, इसको थोड़ा सा अपन पतला बना लेंगे। ठीक है, नहीं ये मोटी बनी है, नहीं दोनों सेम बनी है, चलिए ठीक है। ढोलकी की शेप मैंने आपको बता दी, इसकी फिलिंग मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी, और सब तरह की बहुत सारी फिलिंग सिखाऊंगी, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। और आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना, और भी आपके फ्रेंड सर्कल में बता देना कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और सब्सक्राइबर भी बढ़ा देना, अपनी फैमिली बहुत सारी होनी चाहिए, मिलियन तक पहुँचना है हमको। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। ओके।